गाइस देखिए अभी यहाँ पे सोए हुए हैं मोहित भाई, उठ करके अभी गया हुआ है वहाँ पे नहाने के लिए। गोपाल भाई ये सोए हुए हैं, तिल्लो भाई वो सोए हैं। चलो रे उठो, अब उठ जाए। ओए तिल्लो उठना है ना, उठा चला जल्दी उठो यार। तिल्लो भाई की छुट्टी हो आराम में। उठो उठो, छुट्टी से दे दी वो यार। आज वो आज क्या छुट्टी से दे? मंगलवार के दिन। अच्छा तिल्लो भाई की तो, उनके तिल्लो भाई की तो छुट्टी है यार, लेकिन गोपाल भाई को देखो क्यों आलस आ रहा है तुमको पता नहीं। ये गोपाल भाई को आलस आ रहा है। अरे तूने तो ड्यूटी जाना है ना, टाइम आएगा। अरे गजब गोपाल भाई लाएगा अपना क्या ही लाएगा, गोपाल भाई लाएगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग उत्तराखंड की धरती से। दोस्तों गाइस सुबह के 8 बज रहे और मैं उठ गया हूँ, देखिए नहा धो के मैं रेडी भी हो गया हूँ। तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नई सुबह के साथ, एक नई ताजगी के साथ। तो आइए आपसे कुछ बात करते हैं, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो गाइस अभी भाई लोग मतलब उठ करके नहा रहे हैं, नहा के रेडी हो रहे हैं, तो हम फिर बाद में सब लोग अपने अपने कामों में जाएंगे। तो अभी मैं गाइस कल शाम जैसे सीन ऐसा था, कल शाम मतलब हवा इतनी तेज चल रही थी छत में, रात को मेरे को नीचे आना पड़ा सोने के लिए। वहाँ पे सारे मतलब कम्बल वगैरह उड़ जा रहे थे मेरे, काफ़ी मतलब तूफान आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी हवा चल रही थी, मैं नीचे आ गया था सोने के लिए, और सुबह मेरी नींद भी जल्दी खुल गई थी यहाँ पे। तो भाई लोग अभी थोड़ी देर में उठे और नहाने के लिए गए हुए हो, तो सारे लोग नहा लेते हैं। अब मैंने तो नहा लिया, फिर सारे लोग ड्यूटी में निकलते हैं। तो चलिए गाइस अभी मतलब मौसम यहाँ पे मतलब इतना बढ़िया हो रहा है, थोड़ा मतलब सुबह सुबह के टाइम में थोड़ा ठंडी हवा चल रही है बालकनी में, तो मैं यहीं पे आकर के ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। चलिए दिखाते हैं आज के ब्लॉग में क्या क्या होता है। अब विजय भाई भी उठ गए हैं हमारे, कल शाम कितने बजे आए? 3 बजे। अरे बाप रे, बहुत ही लेट आ रहे हो यार, इतना ज्यादा काम हो जा रहा क्या? अभी विजय भाई भी अब नहाने के लिए जा रहे हैं, कल शाम इनका काम दरअसल काफी लेट लेट तक होता है, शाम शाम तक का। हेलो गाइस बोलो तो देखिए दरअसल गाइस ये मतलब विजय भैया लोग जो हैं हमारे मतलब बगल वाले रूम कमरे पे रहते हैं, तो इनका काम दरअसल ऐसा है कि मतलब कभी ज्यादा हो जाता है तो इनको लेट लग जाती है, शाम को मतलब 2-3 बजे तक का भी आते हैं वहां से। ये देखिए विजय भाई ने दौड़ा दौड़ यार के नीचे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे को ब्लॉग पे। भाई साहब गए क्या? वो गए भाई साहब। अच्छा तुम आज छुट्टी हो? अरे गजब, ए विजय भाई तो आज छुट्टी में, ठीक है मिलते हैं चलो। ये पहुंच गया मैं गोपाल भाई के शॉप में, देखिए। अरे गोपाल भाई बैठे, और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, बढ़िया। भैया क्या है? भैया तो गए जब भी देख सकते हैं, मैं अभी मुखानी के पास में, तो लेफ्ट में यहाँ पे मैं बिक्की भैया की शॉप में आ रखा हूँ, जहाँ पे मतलब मेरे साथ वाला ये गोपाल भाई काम करते हैं। तो अभी देखिए मैं उनकी शॉप में आ रखा हूँ, ऐसे ही थोड़ा सा मैं काम के लिए आ रखा था, यहाँ पे बैंक तक ATM तक थोड़ा सा काम था तो यहाँ पर तक आ रखा था, और यहाँ से मैंने कहा कि मतलब भैया से भी मिल के जाऊँगा, गोपाल भाई से भी मिल के जाऊँगा, लेकिन भैया तो अभी विक्की भैया तो है नहीं, तो गोपाल भाई हैं यहाँ पे। और देखिए पूरे यहाँ पे मतलब अलग अलग ब्रांड के नए मतलब कपड़े आ रखे हैं यहाँ पे, देखिए उनकी ये कपड़ों की शॉप है ये देखिए। और गैस गोपाल भाई बता रहे हैं कि विद MRP पे मतलब देते हैं करके डिस्काउंट है इस ये शर्ट पे। कौन सी वाली है? पेपे पेपे नहीं आ रही है, दिखाओ जरा। नहीं आ रहे हो? देखिए नहीं आ रहे हो, कब आए? देखिए गैस टी शर्ट तो मतलब एकदम मस्त लग रही है यार।
बढ़िया कॉपी नहीं ओरिजिनल नान एकदम बिल्कुल आ जा रहे क्या पेपे और जैकिन जोन्स तो वो भाई सर जैकिन जोन्स अच्छा जैकिन जोन्स और कहाँ है हमारे अजय फ्रॉम UK04 भाई साहब अजय भैया अभी परसों आ रखे थे यार उस दिन मिल तो पाया नहीं मैं उनको बट अजय भैया परसों मतलब यहीं आए थे इसी शॉप में आ रखे थे उनका चैनल है अजय फ्रॉम UK04 करके तो इसी शॉप पे आ रखे थे परसों तो मैं मिल नहीं पाया उनसे लेकिन अब अगली बार जब भी मतलब अजय भैया यहाँ आएंगे तो गोपाल भाई मेरे को इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि मतलब अजय भैया आ रखे करके तो उनसे मैं मतलब पक्का मिलूंगा और आपको भी मिलाऊंगा तो पहले मतलब मिला था मैं उनसे काफी टाइम से अभी मिला नहीं हूँ तो जब भी आप अगर मतलब आएंगे तो तब जाके मिलूंगा मैं तो देखिए गाइस जब भी मतलब एकदम बढ़िया बढ़िया मतलब कपड़े हैं यहाँ पे बढ़िया बढ़िया ड्रेस हैं आप लोग यहाँ पे मोहानी में आ सकते हैं यहाँ पे मतलब लीज पे बिक्की भैया की शॉप में यहाँ पर से मतलब विथ MRP में मतलब डिस्काउंट पे मतलब मिल जाएगा अच्छे रेट पे आपको और मतलब कपड़ा यहाँ पे मतलब नंबर वन क्वालिटी का एकदम ब्रांडेड कपड़ा मिलता है जो भी आप मतलब चाहते हो कॉपी नहीं बिल्कुल ओरिजिनल वाला होता है और कोई मतलब कुछ बताते सही कोई अरे टीम स्पिरिट की कॉलर टी शर्ट मिल जाएंगी राउंड नेक मिल जाएगा और नेट प्ले की सटे हाफ और विंटेज की सटे फुल जैक एंड जोन्स और लिवाइस की जीन्स मुक्ति रैंग मशीन की जींस है और अर्बन एज की टी शर्ट ये देखिए लगी हुई है सारी और स्पोर्ट्स टी शर्ट है तो यार गाइस गोपाल भाई पता नहीं क्या क्या मतलब मेरे तो समझ में आ नहीं रहा क्योंकि आप ये यहाँ पे काम करते तो क्योंकि जो मतलब जहाँ पे काम करता है उसको उस चीज की नॉलेज होती है तो गोपाल भाई को ही बताया मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मतलब क्या क्या होते हैं यार के बस बाकी बाकी मतलब देख करके मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ के मतलब कपड़े ड्रेस वगैरह देख के काफी अच्छा लग रहा है पे गए शायद बिक्की भैया ने बोर्ड लिखा था शॉप के आगे से बोर्ड लगवाने के लिए तो भैया आ रखे हैं यहाँ पे नाप ले रहे हैं अभी और ये गोपाल भाई बिक्की भैया तो है नहीं अभी बोला होगा उन्होंने डेढ़ फिट ये देखिए तो यहाँ पे शायद बोर्ड लगवा रहे हैं तो ये भैया आ रखे हैं हमारे नाप लेने के लिए मैं तो अभी चलता हूँ मेरे को थोड़ा लेट भी हो रही है तो अभी मैं चलता हूँ तो ऐसे ही आया था मैं थोड़ा सा मतलब गोपाल भाई से भी मिल नहीं रहे और बिक्की भैया से भी लेकिन बिक्की भैया है नहीं गोपाल भाई तो अभी चलते हैं चल ठीक है चलते हैं फिर अभी तो सीधे आपको शॉप में मिलते हैं गोपाल भाई भी खाना खाने के लिए आएंगे तो मैं तो चलता हूँ सीधे खाना भी खाना है वहाँ जाके बनाना भी है चलिए मैं पहुँच गया हूँ फाइनली किचन के अंदर और रूम पे खाना खाने के लिए बाप रे गाइस भात तो मतलब ऐसी धूप लग रही है ना भाई साहब 5 मिनट मतलब खड़ा रहा नहीं जा रहा है मैं तो मतलब गोपाल भाई के वहां से शॉप से बिक्की भैया की शॉप से भागते भागते आया और अभी अपने रूम में किचन में आ गया हूँ तो यहाँ पे बिग दावा तिल्लो भाई छुट्टी में उन्होंने खाना बना रखा है देखते हैं अभी क्या बना रखा है दाल किस चीज की बना रखी है तो उन्होंने मटर की दाल बना रखी है मटर और मलाई की दाल बना रखी है तो गाइस भूख भी लगी हुई है अभी मस्त करके फटाफट से खाना खाते उसके बाद मिलता हूँ मैं आपको चलिए हेलो ओ विनोद दा छाछ है क्या छाछ है मसाले वाली मसाले वाली
दही आ रहा हूँ। तो चलिए गए, विनोद दा भी यहाँ जाने वाले थे। दाई जैसे जाने वाले थे मतलब घर को, वैसे ही मैंने आवाज लगा दी इनको। और ये विनोद दा हमारे, हम सारा सामान गाय यहीं पर से लेते हैं इनसे ही। और मेरे को छाछ तो है नहीं ना, दही दे दो है, दही दे दो यार, वाली नहीं है ना। ठीक है, आप भी जाए देते, मैंने कहा चले गए होंगे यार, वही तो जाए। मैंने कहा पहले आवाज जो लगा देता हूँ, मैंने कहा फिर जो करेंगे डालेंगे उसको। चलो सही है। यहाँ से कितना दूर हुआ मेरे घर? हाँ यहीं पे ना। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके ठीक है। मसाले वाली छाछ है लेकिन वो उतनी अच्छी लगती नहीं है, तो इसलिए उसके बदले दही ले आया मैं। और ये तिल्लो भाई यहाँ पे प्याज काट रहे हैं सलाद के लिए, और बिद्दा अंदर है तो हम लोग खाना खाते हैं। तो चलिए गाइस, खाना डाल दिया देखो थालियों में, तो पहले खाना खा लेते हैं। तो गाइस मेरा तो मस्त खाना हो गया है यार, खाना पीना हो गया है, तो अब मैं शॉप में जाता हूँ, तो वहां से मोहित भाई को भेजूंगा, आप आएंगे खाने के लिए। है गाइस, तो मैं अभी छत में आ रखा हूँ। देखिए मौसम बढ़िया हो रहा है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और पीछे बस सूर्यास्त तो होने ही वाला है। तो गाइज आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, इसी प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो गाइज मिलते हैं आपको इसी प्रकार की अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये फ्लावर कौन से वाले हैं? प्लांट सदाबहार, ये 12 महीने ऐसे रहता है, ऐसे फूल आए रहते हैं इसमें।